भी हमारे साथ मनोरंजन जी हैं और साथ में दीदी हैं और बाबू हैं। आप उड़ीसा से आए हैं, इनकी जो मोटर स्किल है उसके अंदर प्रॉब्लम है और बहुत रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। नमस्कार, आज हमारे बीच में उड़ीसा से निरत रोहत जी आए हुए हैं जो कि सेकंड टाइम भी यहाँ पे आए हुए हैं। पिछले 9 महीने से वो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं नाड़ी योगा सेंटर देहरादून से। हम जानेंगे कि उन पर क्या क्या परिवर्तन आए हैं। 9 महीने में चलने में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, चलने में, जैसे कि हाथ पकड़ने से चलता है, पहले नहीं चलता था यहाँ आने से पहले। हाथ पकड़ने से भी 2-3 कदम चलता है, अब चलता था, अभी 100 कदम से चल गया। 100 कदम उसके बाद जैसे कि उठना बैठना भी उसका थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, पहले नहीं कर पाता था। बेड के ऊपर अपने आप चढ़ जाता है, अपने आप चढ़ जाता है बेड के ऊपर, पहले नहीं, वो सब कुछ एक्टिविटी नहीं था उसी। तो देख, आप देख रहे हैं कि पहले जो निनद पुरोहित जी है वो बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, लेकिन आज वो खुद चलने लग गए हैं। आपने इससे पहले कहीं और भी इनको दिखाया था? 2.5 साल से इसका चल रहा था। फिर तो इनका 2.5 साल से फिजियोथेरेपी चल रहा था। कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? हम हमारे उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा में भुवनेश्वर बोले हैं, एक आईएचएस का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जी। वहाँ पे 2.5 साल तक करवाया। तो 2.5 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे, कोई फर्क नहीं था। और नाड़ी योगा में आके इन्होंने 8 महीनों में, और एक लेफ्ट साइड का पैर जैसा कि टेढ़ा हो रहा था वो भी सीधा हो गया। बहुत बढ़िया। और क्या क्या अनुभव रहा आपका, इनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट रहा? तो सब चलने में थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है, उठना बैठना वो भी, अभी तक तो ट्रीटमेंट उतना ही चल रहा है मोटर स्किल के ऊपर जी, अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे करके। तो अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि निनद पुरोहित जी कैसे चलने लग गए हैं। जो कि खुद चल नहीं पाते थे आज खुद चल के आ रहे हैं, इतना इम्प्रूवमेंट आया इनके अंदर पिछले 8 महीनों में। नाड़ी योगा सेंटर में आके 8 महीनों में मात्र उन्होंने चलना प्रारंभ कर दिया, बहुत अच्छा।